स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुए की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी राजस्थान। आंसर बी मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, 2018 से 2022 तक देश में तेंदुओं की आबादी 1000 से ज्यादा बढ़ गई है। मध्य भारत, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में 3907 तेंदुए के साथ सबसे अधिक आबादी दर्ज की गई। अगला प्रश्न, हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? ए पेरू, बी अर्जेंटीना, सी केन्या, डी चिली। आंसर डी चिली। एक्सप्लेनेशन, दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। पेरू के 25 क्षेत्रों में से 20 में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। पेरू पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में एक देश है। इसकी राजधानी लिमा है। अगला प्रश्न, लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2024 से पहले किसे अपना उपकप्तान बनाया है? ए आवेश खान, बी कृणाल पंड्या, सी निकोलस पुरन, डी रवि बिश्नोई। आंसर सी निकोलस पुरन। एक्सप्लेनेशन, लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2024 से पहले निकोलस पुरन को अपना उपकप्तान बनाया है। इससे पहले कृणाल पंड्या टीम के उपकप्तान थे। टीम के कप्तान केएल राहुल ने एक इवेंट में पुरन को 29 नंबर वाली उपकप्तान की जर्सी सौंपी। त्रिनिदाद के क्रिकेटर पुरन विश्व स्तर पर T20 फॉर्मेट के एक प्रमुख खिलाड़ी है। अगला प्रश्न, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? ए जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन, बी डेविड मिलर, सी रोहित शर्मा, डी कुशल मल्ला। आंसर ए जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन। एक्सप्लेनेशन, नामीबियाई क्रिकेटर जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने केवल 33 गेंदों पर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक बनाकर क्रिकेट इतिहास रच दिया है। उन्होंने नेपाल के कुशल मल्ला द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ईटन ने नेपाल के खिलाफ खेले गए एक T20 मैच में यह उपलब्धि हासिल की। अगला प्रश्न, सेफ अंडर 16 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी नेपाल, डी श्रीलंका। आंसर सी नेपाल। एक्सप्लेनेशन, नेपाल में 1 से 10 मार्च तक आयोजित होने वाले सेफ अंडर 16 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारत के मुख्य कोच बीबी थॉमस मुताह ने 23 टीम सदस्यीय का ऐलान कर दिया है। भारत ने 2018 और 2019 में अंडर 15 प्रारूप में जीत दर्ज की थी। दोनों बार भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को हराया था। पहली बार टूर्नामेंट अंडर 16 प्रारूप में खेला जा रहा है।